ये तुम जो कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो जी जो यह के नाम की शपथ खाते हो और इजराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो जी परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते जी क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं, हाँ। और इजराइल के परमेश्वर पर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है भरोसा रखते हैं जी होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है जी और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली हाँ, मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया है जी और वे बातें सचमुच हुई मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है जी सख्त वचन परमेश्वर का मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का और है और तेरा माथा पीतल, पीतल का।, का है हे hey, याकूब के घराने हे याकूब के घराने यह बात सुन ये बात सुन तुम जो इसराइली कहलाते तुम जो इसराइली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो जी जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो जो तुम जो यहुआ के नाम की शपथ खाते हो और इजराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो जी परन्तु सच्चाई और धर्म से नहीं करते सच्चाई और धर्म से नहीं करते तुम हे याकूब के घराने ये बात सुन तुम जो इसराइली कहलाते कहलाते हो हो नहीं हो नहीं तुम जो इसराइली कहलाते हो राइट हम मतलब दो चीजें जैसी होती है, हम कहते है, नहीं ये ऐसा है और ये ऐसा दिखता है दो दो चीजें होती राइट एक चीज ये ऐसी है और ये चीज ऐसी दिखती है परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं तुम जो इसराइली कहलाते हो you should have been Israel. तुमको तो इसराइली होना चाहिए था पर अभी हो नहीं अभी सिर्फ बाहर से दिखते हो के नाम की शपथ खाते हो अपने आप को यहोवा का कहते हो पर हो नहीं ये बातें सच्चाई के साथ में और धार्मिकता के साथ में तुम्हारे जीवन में पाई नहीं जाती तुम अपने आप को महसूस करते हो कि तुम इसराइली हो पर हो नहीं

ये तो याकूब का ये तो यूसुफ का पुत्र है लोग इस बात को ग्रहण करने को तैयार नहीं थे कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि उसके अंदर से वो बातें फूट फूट के बाहर दिखाई देती वो सामर दिखाई दे रही थी वो, वो 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 ज्ञान दिखाई दे रहा था वो बल दिखाई दे रहा था वो प्रेम दिखाई दे रहा था वो कंपैशन दिखाई दे रहा था वो क्षमा दिखाई दे रही थी के अंदर से वो बातें निकल रही थी जो कि दिखा रही थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है एंड हियर इज़राइल और यहां पे इसराइल है यहां पे इसराइल जो कहता है नहीं हम परमेश्वर के हैं हम तो प्रभु के लोग हैं हम तो अब्राहम इजाक और याकूब के संतान हैं हम तो वायदे के संतान हैं हम तो ये हैं हम तो प्रभु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए लाल समुद्र को दो, दो भाग में कर दिया हमारे पास तो बड़े बड़े भविष्यता हुए मूसा हमारे बीच में हुए एलिया हमारे बीच में बड़े बड़े राजा हमारे बीच में हुए बड़े बड़े भविष्यता हमारे बीच में हुए हम तो इस पृथ्वी के सबसे खास लोग हैं उनको ऐसा महसूस होता था कि वो दुनिया के सबसे खास लोग हैं पर जब परमेश्वर को देख रहे हैं वो उनसे क्या कह रहे हैं हे याकूब के घराने, बात सुन, तुम जो सराइली कहलाते हो तुम जो योवा के नाम की शपथ खाते हो पढ़ाएंगे क्या लिखा हुआ इसमें क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं तुम अपने आप को पवित्र नगर पवित्र नगर के बताते क्योंकि वो अपने आप को पवित्र नगर का बताते हैं वो कहते हैं कि पवित्र नगर के हैं और इसराइल के परमेश्वर पर जिसका नाम सेनाओं का यह है भरोसा करते हैं और इसराइल के परमेश्वर के नाम के ऊपर वो भरोसा करते हैं कहते हैं कि पवित्र नगर के भरोसा करते हैं जी होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है। होने वाली बातों को मैंने प्राचीन काल से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली जी मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और जी।, वे जी मैं जानता था कि तू हठी ला जानता था कि तू हटीला और तेरी गर्दन लोहे की लोहे की तेरा माथा पीतल का है माथा पीतल का इतना कुछ जानने के बाद इतना कुछ अनुभव करने के बाद में अभी इसराइल जैसे दिखाई नहीं दे रहे हो अभी परमेश्वर के लोगों की तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हो इन लोगों की दिक्कत क्या थी इन लोगों की प्रॉब्लम क्या थी इनको ये लगता था कि ये तो अब्राहम इजाक और याकूब के संतान है उनके वंशज हैं उनको ये लगता था कि प्रभु ने हमसे बड़े बड़े वायदे किए हैं हम तो इसराइल है हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं हम वो लोग हैं जिनके साथ में परमेश्वर के बड़े बड़े वायदे प्रभु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किया है. लोगों को हरा करके हमको विजय दी है यरियो जो है वो ढह गया लाल समुंदर दो भाग गुम हो गया कनान देश के तमाम वो दानव वाले इलाके प्रभु ने हमको दे दिए बड़े बड़े भविष्यता हमारे बीच में हुए जिन्होंने बड़े बड़े काम किए बड़े बड़े राजा हमारे बीच में हुए दाऊद हमारे बीच में हुआ सलेमान जो था वो हमारे बीच में था उन्हीं बातों में बड़े खुश थे उन्हीं बातों में बड़े मगन थे अपनी पहचान को इसराइली बता करके वो बड़े खुश थे पर उनके जीवनों से यह नहीं दिखाई दे रहा था कि वो परमेश्वर के संतान हैं और वह इसराइल उनके जीवन से ये बातें नहीं दिखाई दे रही थी कि ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं महसूस कर रहे थे।, right. कहते थे कि हम प्रभु के लोग हैं कहते थे कि हम प्रभु के लोग है परमेश्वर के बड़े बड़े वायदे हमारे साथ में हैं कई बार बारिस्सा में इसी प्रकार से होता है प्रभु ने जो हमारे जीवन में कार्य किए हैं जो बड़े चमत्कार उसने हमारे जीवन में किए वो उनको देख के हम लगता नहीं प्रभु हम प्रभु के लोग हैं उनको देख के हम कहते नहीं हम प्रभु के लोग हैं वचन पढ़ते वायदे कर वायदों को देखते उनके ऊपर एहतिकात करते उनके ऊपर भरोसा करते हैं प्राप्तों में जाते परिवर्तन को प्राप्त करते हमें लगता नहीं हम प्रभु के लोग हैं वी आर गॉड्स पीपल हमको वचन मालूम है हमको मालूम है ये कहाँ लिखा हुआ है हमको ये मम्मा ये चीज़ें पता है हम इन बातों को जानते हैं हम इससे हमें आते हैं दाना दशवंश देते हैं भक्त समा लिया है आत्मा का अभिषेक हमारे साथ में तो ओके यस वी आर गॉड्स पीपल हम परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर कह रहे हैं तुम इस्राइल के कहलाते तो हो और तुम परमेश्वर के नाम के ऊपर उनके शपथ तो खाते हो और अपने आप को पवित्र नगर के कहलाते तो हो पर हो नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों के अंदर कौन सी बातें होनी चाहिए कौन सी बातें अगर हमारे अंदर होंगी तो दिखाई देगा दिखा कि हम परमेश्वर के लोग हैं वो क्या बातें हैं जो हमारे जीवन में होना चाहिए जिससे कि लोग देख के कहेंगे नहीं ये परमेश्वर के लोग हैं इसको देख करके परमेश्वर कहेंगे ये मेरे लोग हैं वो कौन सी बातें होनी चाहिए परमेश्वर के लोग के अंदर कौन सी बातें होनी चाहिए आपके जीवन में वो कौन सी बातें पाई जाए जिसको देख करके संसार करे संसार कहे ये, ये परमेश्वर के लोग हैं जिनको देख करके परमेश्वर कहे यस यू आर माइन तो मेरे हो एनी आइडिया वो क्या बातें हैं जो हमारे जीवन में होना चाहिए चैप्टर फाइव गलाती की पुस्तक उसका पांचवा अध्याय बाईस से पच्चीस पद को देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहां पर चैप्टर फाइव वो क्या बातें हैं जो कि आपके जीवन में होनी चाहिए ताकि ये दिखाई दे कि आप परमेश्वर के लोग हैं जी पर आत्मा का फल प्रेम आत्मा का फल प्रेम प्रेम आनंद आनंद शांति शांति धीरज धीरज कृपा कृपा भलाई भलाई विश्वास और विश्वास नम्रता नम्रता और संयम है और संयम है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं जी हमने अपने घर में अमरुद का पेड़ लगा के रखा है और उसमें हमको अमरुद की फसल में अमरूद मिलते हैं राइट जिसने अपने घर में आम का पेड़ लगा के रखा है जिसने अपने घर में अनार का पेड़ लगा के रखा है जिसने अपने घर में किसी और चीज के पेड़ लगा के रखा है मौसम में उसको कौन सा फल मिलता है वही फल मिलता है जिसका पौधा आपने लगाया है एक बार फिर से में क्या लिखा हुआ है आत्मा का फल प्रेम। का फल अगर आत्मा आपके जीवन में है पवित्र आत्मा अगर आपके साथ में है या आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा का फल क्या होते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो आपके जीवन में दिखाई देंगी क्या दिखाई देगा प्रेम आनंद आनंद शांति शांति धीरज धीरज कृपा कृपा भलाई भलाई विश्वास विश्वास नम्रता नम्रता और संयम है और संयम ये बात है एक विश्वासी जीवन में दिखाई देना जरूरी है आवश्यक बच्चों के, के, के ज्ञान को रखते हैं प्रभु की बातों को जानते हैं वचन पढ़ते हैं प्रार्थना करते हैं कलीसिया में आते हैं प्रार्थना करते हैं बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं कह देते हैं और पेड़ करके समुद्र में चले जाते हैं येस ऑल्सो वेरी गुड ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं पर क्या ये बातें आपके अंदर से दिखाई दे रही हैं क्या ये प्रेम क्या ये दया क्या ये शांति क्या ये कृपा क्या ये भलाई क्या ये दीनता क्या ये नम्रता आपके जीवन से दिखाई दे रही है कई बातें आपके जीवन से दिखाई दे रही है आगे बढ़े क्या लिखा हुआ है और जो मसीह ये शुके हैं और जो मसीह ये शुके जो मसीह ये शुके हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है लाशों के साथ में क्रूस पर चढ़ा रखा और जो मसीह ये शुके हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषा अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है समेत क्रूस पर चढ़ा पर दिया परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं कैसे होते हैं लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस के पे चढ़ा देते हैं ना 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 क्रूस के पे चढ़ा देते हैं हमारे एक जवान बच्चा है उसने अपने व्हाट्सएप के जो स्टेटस जो स्टेटस जो कुछ भी टाकलाइन जो होती है उसमें उस उसमे पर लिख के रखा हुआ है मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट मैंने सोचा था कि मैं उसको कॉल करके बोलूंगा कि परमेश्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट पर मुझे मौका नहीं लगा मैं बिजी हो गया राइट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है एक जन के खेत में बड़ी फसल हुई और उसने कहा मैं पुराने खंदे तोड़ करके नए खंदे बनाऊंगा और ये इतनी ढेर सारी फसल जीवन भर काम करेगी मेरी जान खा पी और और ये ही नहीं मालूम था।, था उसी रात उसका प्राण से यू you नो know, मैं आपसे कहना चाहता जन ने तो लिखा हुआ है पर ढेर सा, सारे आप लोग देख करके उसको मुस्कुरा रहेंगे राइट पर ढेर सारे लोगों के मन के अंदर ये बातें हैं जन ने तो लिख दिया पर ढेर सारे को मालूम है ये है हमारे अंदर मनी इज नॉट अल्टीमेट God, पैसा पैसा ना 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 परमेश्वर परमेश्वर क्या लिखा हुआ यहां पे और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की, शरीर की को उनकी लालसाओं और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है याकूब के घराने मेरी सुनो तुम जो इसराइल के कहलाते हो तुम जो यहोवा के नाम की शपथ खाते तो हो तुम तो अपने आप को उस पवित्र नगरी का कहलाते तो हो, पर हो नहीं पर हो नहीं मुझे मालूम है कि तुम हटीले हो और तुम्हारी गर्दन जो है उसमें लोहे की हैं, एंड जो माथा है वो पीतल का आई नो यू मैं तुम्हें जानता हूं आगे बढ़े क्या लिखा हुआ यहाँ पे पच्चीस पद यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं। तो आत्मा के अनुसार द्वारा तो चले भीफुल खूबसूरत यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आप आत्मा के द्वारा ही जीवित हैं ये वो रोटी नहीं है ये वो कसरत नहीं है ये वो एक्सरसाइज नहीं है ये वो चीजें नहीं है जो कि आपको जीवित रखे हुए ये परमेश्वर का वचन है जो कि आपको जीवित रखे हुए यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। कहने लगा कई बार कि मेरी इच्छा तो थी कि मैं तुम्हारे पास में आऊं और तुमसे मुलाकात करूं लेकिन आत्मा ने रोक दिया मेरी इच्छा तो थी मेरा मन तो था कि मैं इन कामों को करने पाऊं लेकिन आत्मा ने रोक दिया दाऊद कहने लगा प्रभु मैं तेरे लिए भवन को बनाना चाहता प्रभु ने कहा नहीं तुम नहीं बनाओगे और दाऊद ने बस छोड़ दिया फिर जिद नहीं की यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी चले भी कहता है मैं तुम्हारे पास में आना चाहता था मैं तुमसे मिलना चाहता था मैं तुमसे बात करना चाहता था लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे रोक घर से लोग आए जब कर्निश के घर से लोग आए तो परमेश्वर की आत्मा ने क्या कहा से पौलुष उनके साथ में जाने से मत डरो अगर आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चले।, चले भी यीशु के जीवन से वो बातें बाहर निकल रही थी लोग उसको देख करके हैरान थे ये कौन हमारे बीच में आ गया जो ऐसी ऐसी, ऐसी बातें इसके जीवन से दिखाई दे रही इसके जीवन से वो बातें दिखाई दे रही जो कि परमेश्वर की बातें हैं और वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और कहते ये तो बड़े का बेटा है ये तो बड़े का बेटा है क्या आपके जीवन से वो बातें दिखाई दे रही हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटियां हैं देखिए मेरे साथ में दूसरा ग्रंथियों उसका पहला अध्याय आठ से दस पद सेकंड ग्रंथियो चैप्टर वन वर्स एट टू टेन हे भाइयों हम नहीं चाहते हे भाइयों हम नहीं, हम नहीं चाहते, चाहते, कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो पॉलुस क्या कह रहा है मेरे कलेश से जो हमने कलेश सही तुम उससे अनजान रहो मैं ये नहीं चाहता

ऐसे, ऐसे से, भारी बोझ से दब गए थे दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था जो हमारी सामर्थ से बाहर था यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे जीवन थे जहाँ तक कि हम अब तो अपने जीवन जीवन से भी, भी हाथ धो बैठे थे वरन हमने अपने मन में समझ लिया हमने था हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है मृत्यु की आज्ञा हम ए लुक एट पॉज ये उस जन के शब्द नहीं है जिसने बड़े गंभीर पाप किए ये वो जन नहीं है जिसने अपने जीवन में बड़ा विरोध किया ये वो जन नहीं है जिसने परमेश्वर को इस को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिया ये वो जन नहीं है जो कि परमेश्वर को त्याग करके अपने मार्ग के ऊपर चला गया ये वो जन है जो कि परमेश्वर के पीछे चल रहा है नहीं जो कह रहा है जो बातें मेरे नफे की थी उनको मैंने मसीह के लिए नुकसान समझ लिया है

बाहर थे और ऐसा लग रहा था अब बचेंगे नहीं और यहां तक कि यह महसूस हो रहा था कि मानो स्टेटमेंट स्टे, ऑफ डेथ आ चुका है मृत्यु की आज्ञा हमारे लिए आ गई है कि ओके इनको मर जाना है आगे बढ़े क्या लिखा हुआ है कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो है, चुकी है ताकि हम अपना भरोसा ना रखने ताकि ना रखने। हम अपना भरोसा अपना भरोसा ना रखें ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है जी ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि हम अपने ऊपर से भरोसा रखना खत्म करें और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना शुरू करें जो कि ये मरे हुओं को जिलाता है जो कि मरे हुओं को चलाता आगे बढ़े क्या लिखा हुआ है उसोबत उसी ने हमें मृत्यु के, के ऐसे बड़े संकट से बचाया मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा और बचाएगा और उस पर हमारी यह आशा है कि और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता आगे रहेगा के भी बचाता रहेगा बड़े क्लेश उसके ऊपर आए कह रहा है प्रभु ने क्लेशों से बाहर निकाल दिया ये बातें तो अपनी जगह पे पर आप देखें पोलुस के एटीट्यूड को पोलुस के स्वभाव को वो बातें जो पॉलिस के जीवन में थी जब उस दौर से गुजर रहा था जब वो जब वो मृत्यु का साया उसको दिखाई दे रहा था उसको लग रहा था कि मानो मृत्यु की आग गया उसके पति निकल के आ गई है कि अब वो मर जाएगा जब उन दौर से गुजर रहा था वो क्लेश जो कि उसकी सामर से बढ़ करके उसके पर आके गिरे उस समय उसका एटीट्यूड क्या था उस समय उसकी प्रतिक्रिया क्या थी कैसे उसने उन चीजों को अपने जीवन में लिया तो प्रभु के कहलाते तो है पर क्या प्रभु की बातें हमारे जीवन से दिखाई दे रही है। हम के तो हैं? हम इसराइल आत्मा हमारे साथ में हैं। बड़े बड़े वायदे हम क्लेम करते हैं बड़ी बड़ी चीजें लोग हैं ओ प्रभु, हम आपके प्रभु आएंगे लेकर के चले जाएंगे आपके जीवन से क्या प्रभु की बातें दिखाई दे रही हैं ऐसे सख्त कलेषों में ऐसे कलेशों में पॉलिस कह रहा है ये बातें इसलिए हुई ये बात इसलिए हुई ताकि हम अपने ऊपर से भरोसा रखना खत्म करें एंड परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू करें ताकि हम अपना भरोसा ना हम अपना पर भरोसा ना रखें ये बात परमेश्वर इस दौर से हमको लेके नहीं गए ताकि हम मर जाएं और हम खत्म हो जाएं इस दौर से होकर के हम इसलिए गुजरे हम इसलिए गुजरे ताकि हम ये सीखें कि हमको अपने पर भरोसा नहीं रखना है हमको परमेश्वर के पर भरोसा रखना है कई कई बार बार जब आप आप परमेश्वर के साथ चलेंगे असंभव चीजों से होकर लेके चलेगा वो आपको आप आग से लेकर के चलेगा कई बार वो हमको पानी से लेकर के चलेगा पर वो आग हमको जलाएगी नहीं और वो पानी हमको डुबोएगा नहीं और वो इसलिए होता है ताकि हम ये सीखने पाए कि वो हमारे बल से नहीं उसकी सामर्थ्य होगा ना तो बल से ना शक्ति से परंतु तो उसकी आत्मा से होने पाएगा जब आप उस दौर से गुजर रहे होते हैं जब आप उस दौर से गुजर रहे होते हैं वो क्या बातें जो आप सोच रहे होते हैं। प्रभु हम तो आपके लोग हैं हम तो बड़ी प्रार्थना करते हैं फिर हमारे साथ में से क्यों हो रहा है हमने तो बातें भैया दीदी से भी कह दी टीम से भी कहलवा दी फिर ये बातें हमारे जीवन में और इतने समय से उपासना प्रार्थना करें फिर भी ये बातें हमारे जीवन में क्यों नहीं बदल रही क्यों नहीं चेंज हो रही प्रभु आप अच्छे नहीं है और आप भले नहीं हो ठीक है आज से सब खत्म और आप प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे ओके फाइन गुड जब आप उस दौर से गुजर रहे होते हैं पोलूस कहता है मुझ पर वो वो क्लेश पड़े जो मेरी सामर्थ्य से बाहर थी और मुझे जीवन की आशा नहीं थी और मुझे लग रहा था कि मृत्यु का सेंटेंस जो है वो मेरे ऊपर निकल आए कि ये मर जाएगा खत्म गुजरा ताकि मैं सीखूं कि ना तो बल से और ना शक्ति से तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो जाएगा मैं उस असंभव दौर में मैं ये कहने पाऊं नहीं प्रभु स्टिल पॉसिबल अभी भी संभव है परमेश्वर अब्राहम को एक लंबे दौर में लेके गए 25 साल इंतजार कराया उसको वायदा जो उसने परमेश्वर वायदा किया था उसको देने के लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में किया पर वो वायदा नहीं पूरा किया उसने जिसके लिए अब्राहम आया था बहुत कुछ परमेश्वर उसको दे रहे थे बहुत कुछ परमेश्वर उसको ब्लेस कर रहे थे पर वो वाला काम नहीं कर रहे थे जिसके लिए अब्राहम परेश अरे प्रभु बच्चा चाहिए हरे प्रभु बच्चा चाहिए प्रभु उस जगह के ऊपर लेके चले गए जहाँ पे चीजें असंभव हो गई पर उस जगह के ऊपर लेके चले गए जहाँ पे चीजें सब हो गई और वहां पे और वहां पे परमेश्वर के जन ने दिखाया कि वो परमेश्वर का जन है उसने अपने आप को देखा और कहा मैं तो मरा हुआ हूं आई एम एज गुड एज उसने अपनी अपनी पत्नी को देखा 90 इयर्स की अपनी पत्नी को देखा 90 साल की अपनी पत्नी को देखा कहीं ये ये भी मरी हुई है अब क्या हमको बेटा हो सकता है सारी आशा के विपरीत अब्राहम ने कहा नहीं सारी आशा के विपरीत अब्राहम ने कहा जिसने वायदा किया है वो सच्चा है जिसने वायदा किया वो सच्चा है हो सकता है सारी आशा आपके जीवन से खत्म हो जाए हो सकता है आप जीवन के उस मोड़ के पर पहुंच जाए जहां जा पे सारी आशा आपके जीवन की खत्म हो जाए और वहां पे सिर्फ आपको ये विश्वास करना पड़े प्रभु जिसने वायदा किया है वो सच्चा है राइट right. जिसने वादा किया है वो सच्चा है साल के शुरू में मैंने आपको बताया था मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हुई और कोई आशा नहीं थी कि वो ठीक हो जाएगी मैंने प्रार्थना की मैंने प्रभु से कहा प्रभु अगर दुनिया का हर एक जन कहेगा यह संभव है मैं विश्वास करने जा रहा हूं कि यह संभव है अगर दुनिया का हर एक जन कहे चलते फिरते उठते बैठते जब मेरे मुंह से निकल रहा था वही निकलता प्रभु संसार का हर एक जन कहेगा कि यह संभव है आई है। आप करेंगे इसको हालां वो क्या बातें हैं जो कि आपके जीवन से दिखाई दे रही है पोलूस के, के जीवन को देख रहा था आई वाज सरप्राइज्ड मैं मैं मतलब मैं बहुत ही हैरान होने पाया एक अजीब सी शांति पॉलस के जीवन में रहती थी एक अजीब सी शांति पॉलस के जीवन में रहती थी अरे इसीलिए जो मैंने आज का टॉपिक दिया वो दिया है, पीस लाइक रिवर नदी के समान शांति राइट अब देखिए मेरे साथ में प्रीतो कामस का 27वां दिया है 20 से 25 पद को देखिए तो 27, से 25, एक अजीब सी शांति के जीवन में रहती थी वो बातें जो प्रभु की हैं हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए एंड एक बात जो बहुत जरूरी है जो कि आपके जीवन में दिखाई देनी चाहिए एंड वो है शांति पीपल ऑफ गॉड आर हु लिव इन पीस परमेश्वर के लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि भले शांत रहते कामनेस में रहते हैं अजीब सी शांति हमको घेर के रखती है तुम इसराइल के कहलाते तो हो पर इसराइल के हम कैसे होंगे हम इसराइल के तब होंगे जब ये अजीब सी शांति हमारे मन में हमारे हृदय में राज करेगी हम चाहे कैसे दौर से क्यों नहीं गुजरे अजीब सी शांति परमेश्वर के लोगों को घेर करके रखती है इमेन पढ़े क्या लिखा हुआ है जी जब बहुत दिनों तक नासूर तारे दिखाई दिए जब बहुत दिनों तक सूरज ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती, जाती रही क्या आप कभी उसके करीब भी पहुंचे हैं क्या आप उसके कभी करीब पहुंचे जब आपको लगे अब नहीं बचेंगे अब नहीं बचेंगे अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके जी तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर तो कहा उनके बीच में खड़े होकर हे लोगों चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते जी और ना यहाँ विपत्ति आती और ना विपत्ति आती और ना हानि उठाते जी परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ मैं तुमको समझाता हूँ कि डांडस बांधो कि ढांडस बांधो देखे वो शांति जो उसके जीवन में है अमेजिंग बातें ऐसी स्थिति में जहाँ पे जहाज जो समुन्द्र में बस वो अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है लग नहीं रहा है कि हम बचेंगे ऐसे में क्या कह रहा है ढांडस में से किसी के प्राण की हानि ना होगी जी पर केवल जहाज के की जहाज की क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ जी और जिसकी सेवा करता हूँ जी उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा मत डरुष मत डर तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, तुझे दिया है तुझे दिया है इसलिए मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया जैसा मुझसे कहा मुझसे मुझसे गया वैसा ही होगा वैसा ही होगा जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा विश्वास करने के लिए तैयार है जैसा आपसे कहा गया है वैसा ही होगा ये एक अजीब सी शांति पॉलुस के जीवन में रहती थी ऐसे गंभीर पलों में बहुत दिन तक सूरज नहीं दिखाई दिया है बहुत दिन तक के तारे नहीं दिखाई दिए आंधी तूफान चल रहा है एन उनके बचने की कोई आशा नहीं रही अब उनके बचने की कोई आशा नहीं रही उस परिस्थिति में पॉलुस बिल्कुल शांत है पॉलुस बिल्कुल शांत है परमेश्वर के पास में गया धन्यवाद के साथ में उसने अपनी विनती और निवेदन परमेश्वर के सामने रखे एंड परमेश्वर से बड़ी बातों को सुन करके आ रहा है एंड कह रहा है ओके ऐसा, -ऐसा होने जा रहा है ने क्या प्रार्थना की जब उस तूफान में था बहुत दिन बीत गए सूरज और चांद दिखाई नहीं दे रहे बारिश ही बारिश चल रही है तूफानी तूफान चल रहा है जीवन की कोई आशा नहीं बची पौलुस ने क्या प्रार्थना की प्रभु मैं तो आपका जान हूं देखिए सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आ गया हूं क्या समंदर में मैं डूब के मर जाऊंगा प्रभु क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ में क्या भूल गए इस नाव में मैं भी हूं ये मेरे जीवन में तो नहीं होना चाहिए था ये तो पापियों के जीवन में होना चाहिए था ये तो मेरे पड़ोसी के जीवन में होना चाहिए था ये तो मेरे फलाने रिश्तेदार के जीवन में होना चाहिए था वो इससे बुरे मैं तो अच्छा मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु दिस इज नॉट गुड मैं तो आपके हम तो आपके लोग हैं ये हमारे साथ में से क्यों रहा है पोहलुस वहां पे शिकायत नहीं कर रहा है पोहलुस वहां पे परमेश्वर को कुड़कड़ा नहीं रहा है बड़बड़ा नहीं रहा है अपनी विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख जा करके रख रहा है प्रभु से सुन करके आ रहा है अजीब सी शांति उसके जीवन में है और क्या सुनो कोई नहीं मरने जा रहा है इसराइल के कहलाते तो हो इसराइल के कब हो गए जब यह अजीब सी शांति आपके मन में आपके हृदय में राज करेगी जब अजीब सी शांति आपके मन में आपके हृदय में राज करेगी आप चाहे कैसे मार से क्यों नहीं हो क्यों गुजरेंगे आप कहेंगे नहीं प्रभु आप मेरे साथ में हैं लॉर्ड यू आर विद मी हानि नहीं हो सकती मेरी हानि नहीं हो सकती मेरी आपको पता जब मेरी हार्ड डिस्क खराब हुई और दो मिनट के लिए तो मैं बहुत परेशान हो गया मैंने कहा नहीं प्रभु ये क्या हो गया मेरा इतना बड़ा नुकसान मेरा इतना बड़ा नुकसान हाउ कैन ये दुष्ट मेरा इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकता है और फिर मैं प्रभु के समुख गया और मैंने कहा प्रभु इतना बड़ा नुकसान आप मेरा नहीं करा सकते इतना बड़ी हानि मेरी नहीं हो सकती और मैंने कहा नहीं प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों से जीत के साथ में बाहर आऊंगा हालेलुया अजीब सी शांति अजीब सी शांति कोई नहीं कर पाया कोई नहीं बता पाया दीवार पे क्या लिखा है राजा परेशान है सारे ज्ञानी लोग सारे बुद्धिमान लोग परेशान है डैनियल को बुलाया गया डैनियल तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है क्या तुम यह पढ़ा के बता सकते हो

हमको मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमको तुमसे और तुम्हारी आग से बचा सकता है पर अगर नहीं भी बचाएगा तो तुम्हारी इस मूर्त के सामने हम झुकने नहीं।, नहीं जा रहे हैं एक अजीब सी शांति परमेश्वर के लोगों के मनों में उनके हृदय में रहती है जब शाह उस, कबर के, उस उस के उस गुफा के मुंह के ऊपर आकर के बैठा विश्राम करने के लिए दाऊद के लोगों ने कहा देखो तुम्हारे दुश्मन को परमेश्वर ने तुम्हारे हाथों में कर दिया जाके उसको मार दो दाऊद ने कहा नहीं मैं नहीं मारूंगा क्यों नहीं मारूंगा एक अजीब सी शांति उसके हृदय में थी जिसने वादा किया है वो पूरा करेगा मैं गलत रास्ता नहीं लूंगा मैं गलत मार्ग के ऊपर नहीं जाऊंगा जिसने वायदा किया है वो उसको पूरा करेगा आप परमेश्वर के हैं आप परमेश्वर के कहराते हैं क्या परमेश्वर के हैं कैसे परमेश्वर की दिखाई देंगे वो अजीब सी शांति हमारे मनों में हमारे हृदय में राज करती है हाँ हमारे मनों में हमारे हृदय में राज करती है और यहां पे पोलूस कह रहे हैं कि वो परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं दोपहर दोपहर आइए ट्वेंटी थर्ड में आइए कह रखे ओके ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर हे पोलूस मर्डर तुझे कैसे? कैसे के सामने खड़ा होना अवश्य पॉलुस बिल्कुल शांत है राइट आइए पढ़ेंगे उसका अड़तालीसवा अध्याय सत्रह सौ उन्नीस करेंगे अड़तालीस सत्रह सौ उन्नीस पद को देखें क्या लिखा हुआ यहाँ पेहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है जी वह यूँ कहता, कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा यहावा मैं परमेश्वर यहोवा यहाँ जो तुझे तेरे लाभ के, के लिए शिक्षा देता हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पे तुझे ले चलता हूँ जी भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता तब तेरी शांति नदी के समान तेरी शांति नदी के समान नदी के समान होती और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता जी तेरा वंश बालू के किनको के तुल्य होता जी और तेरी निज संतान उसके करों के समान होती जी उसका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना no मिटाया जाता ना कभी मिटाया जाता वो सुबह 18 में वापस आएंगे लिखा हुआ है भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान तो से सुना होता आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता ये अजीब सी शांति ये अजीब सी शांति एक नदी के समान शांति के लिखा हुआ है बोला तो तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता तब तेरी शांति नदी के समान नदी के समान नदी के समान का मतलब बड़ी अबंडेंट भरपूर एंड हमेशा हमेशा बहने वाली फार रीचिंग बहुत दूर तक के नदी जाती है बहुत चौड़ी होती है बहुत बड़ी होती है बहुत अबंडेंट फ्लो होता है भरपूरी के साथ में बड़ी ढेर सारी एंड लंबी दूर तक जाने वाली एक ऐसी शांति जो कि बड़ी हो जो कि गहरी हो बहुत दूर तक के ऐसी शांति से परमेश्वर आपको भर देना मांगते पर वो शांति कब आती है विश्वास करने से हाँ हम प्रभु पे बहुत विश्वास करते हैं प्रभु हमारे लिए इस काम को कर देंगे इसलिए हम बिल्कुल शांत हैं ना, ना ना आप कई बार विश्वास तो करते पर शांति नहीं आती जीवन में आप विश्वास करने के लिए तो तैयार होते हाँ प्रभु आप मुझे एक गवाही दे सकते आप मुझे चंगाई दे सकते आप मेरे जीवन परिवर्तन को लेकर के आ सकते कई बार हम विश्वास तो करते पर वो अशांति के साथ में विश्वास होता है शांति नहीं होती मन बेचैन हो रहा होता है इसीलिए प्रार्थना करने के बाद भी आप 24 घंटे वही मनन कर रहे होते अरे कहीं ऐसा हो गया अरे कहीं ऐसा हो गया अरे कैसे कहीं ऐसा हो गया विश्वास के साथ शांति क्यों नहीं आती क्योंकि शांति कहां से आती है आज्ञाकारिता से जब आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं और उसको पूरा करते हैं भला होता कि तो मेरी आज्ञाओं पर ध्यान ध्यान से सुनता मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता आज्ञा परमेश्वर की इच्छा उसकी इच्छा क्या है यदि आप उसको ढूंढते और यदि आप उसको पूरा करते तो आपकी शांति नदी के समान होते उसकी शांति आपकी शांति नदी के समान होती और तेरा धर्म समुंदर के लहरों की नाई होता इन वर्ष नाइनटीन तेरा वंश बालू के किनको के तुल्य होता बालू के किनको के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कड़ों के समान होती जी उस उनका नाम मेरे सम्मुख से कभी न काटा कभी न काटा कभी और न मिटाया जाता विश्वास करने से शांति नहीं आती हम विश्वास करते हैं पर बड़ी अशांति के साथ में प्रार्थना करें लेकिन मन बेचैन रहता है शांति अजीब सी शांति परमेश्वर के लोगों को घेर के रखती है तुम तो मिस्राइल के कहलाते हो हो नहीं कब होगे? जब यह अजीब सी शांति तुम्हारे मन में तुम्हारे हृदय में आएगी ये अजीब सी शांति आपके मन में आपके हृदय में कब आती जब आप आज्ञाकारता में प्रभु के साथ में चलते हैं आज्ञाकारता में परमेश्वर के साथ में चलते हैं अभी हमने अपना पढ़ा था उसमें तीसरा पद जो था वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था ये से आ गया वापस अपने टेस्ट में आएंगे एंड अब देखेंगे चीज़ों को सही तरीके से और कनेक्ट करेंगे राइट शांति कहां से आती है आज्ञाकारता से जब आज्ञाकारता में जाते हैं आगे क्या होता है फिर से बढ़ेंगे वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे अध्याय पहले पद से चौथे पद को जी हे याकूब के घराने जी यह बात सुन तुम जो इजरायली कहलाते बात सुन तुम जो इज़राइली कह कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो जी जो यहुआ के नाम की शपथ खाते यहुआ हो के नाम की शपथ खाते हो और इज़राइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो चर्चा तो करते हो परंतु सच्चाई और धर्म सच्चाई से नहीं और धर्म से नहीं क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं आपको नगर बताते तो हो और इजराइल के परमेश्वर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है भरोसा करते हैं जी होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन आ, काल ही से बताया है। yes, बताते अब पे ये जो वर्स आई है होने वाली बातें तो मैंने प्राचीन काल मैंने ही से प्राचीन बताया प्राचीन काल से तुमको बताई है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से चर्चा निकली, मेरे मुंह से निकली मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई बातें हो गई इस बीच में प्रभु कह रहे तुम कहलाते हो पर हो नहीं तुम तुम विश्वास तो करते हो तुम कहते हो, तुम कहते हो मैं पवित्र नगर का हूं और हो नहीं अचानक से लेते और यहां पे कह रहे हैं होने वाली बातें तो मैंने तुमसे प्राचीन काल सही बताई है मैंने बता दी तुमको शांति कहां से आती है शांति यहां से आती है जब आप वो बातें सुन लेते हो परमेश्वर जब आप में जाते हैं जब आगे करते में जाते हैं परमेश्वर के साथ में खूबसूरत दृष्टि में आते हैं जब परमेश्वर के साथ में खूबसूरत दृष्टि में बता देता है आने वाली बातों को आप अपने हृदय में रख लेते हैं आपका मन शांति से भर जाता है उस अभी जो टेक्स्ट हम ने पढ़ा कि जब इतने दिन बीत गए सूरज नहीं निकला चांद नहीं निकला पौलुस इतना शांत क्यों है इतना शांत इसलिए क्योंकि परमेश्वर के ने उसको रात में आके दर्शन दिया और पॉलुशी का पौलू सुनो घबराना नहीं तुमको कैसर के सामने जाके खड़े होकर के मेरी गवाही देनी है कदम बात कदम आ गई शांति आ गए आत्मदान परमेश्वर के सरदूत ने पॉलूस को बता दिया यस तुम इन तमाम दोनों से चाहे कुछ होता रहे चाहे कुछ होता रहे तुम कंबल ओढ़ के सो जाओ तुम्हें कोई टेंशन होने नहीं जा रही है तुम कल कैसर के पास सामने खड़े हो गए और तुम मेरी वहाँ पे जाके तो, okay, मैंने प्राचीन काल से ही बताई है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली है और मैं अचानक से उनको प्रकट करूंगा और वो बातें सचमुच हो जाएंगी जो बातें मैंने तुमसे कही है उन पर मनन करो उन पे ध्यान दो उन पे उनको, उनको उनके वो वो तुम्हारे फोकस में रहने पाए उन चीजों के ऊपर तुम्हारी चर्चा होने पाए क्योंकि वो अचानक से हो जाएंगी वो अचानक से हो जाएंगी मूसा बड़ा परेशान हो गया एक समय पे, मिस्र से लोगों को लेकर के निकला सामने लाल समुंदर एंड पीछे फिर की फौजी बड़ी रफ्तार से वहां पे आ गई एंड मूसा सब लोग मार मूसा के, के, के पास चढ़ने के आ गए मूसा तुमको मार डालेंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे मूसा बड़ा घबरा गया एंड मूसा घबरा करके परमेश्वर के पास प्रभु ये क्या हो रहा है क्या उत्तर दिया परमेश्वर ने उसको जब मूसा घबरा करके प्रभु के पास से पहुंचे तो परमेश्वर ने उसको क्या उत्तर दिया परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम उसे क्यों कह रहे हो मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया कि जिन मिस्ट्री को तुम आज देखते हो आज के बाद दोबारा नहीं देखोगे ईमान आज के बाद दोबारा नहीं देखोगे एंड मूसा खड़ा हुआ एंड मूसा ने कहा सुनो ये फ्रोन की फौज तुमको इसलिए दिखाई दे रही है ताकि तुम लोग सेल्फी ले लो उनके साथ में आज के बाद दोबारा देखने को नहीं मिलेगा ये तुमको ये फौज इसलिए नहीं आ रही है कि तुमको मार के खत्म कर दे फौज इसलिए आ रही है कि एक बार आखिरी फोटो देख लो एक बार आखिरी बार इनको देख लो क्योंकि दोबारा तुम इनको नहीं देखोगे एंड डू यू नो समथिंग दोबारा उन्होंने मिस्रियों को फिर नहीं देखा दोबारा उन्होंने मिस्त्रियों को फिर नहीं देखा शांति कहाँ से आती है शांति कहाँ से आती है जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं एंड देन एक दिन उसका सुरदूत उसके दूत उसके भविष्यता उसके लोग दर्शन के द्वारा सपनों के द्वारा परमेश्वर आपसे आकर के आने वाली बातें आपको बता देते हैं और कहते सुनो पॉलूस डरो नहीं तुमको कैसर के सामने खड़े होकर के मेरी गवाही देनी है बस काफी है अब चाहे हम किस दौर से होके क्यों नहीं गुजरे जो उसने कह दिया है बस वो हमारे लिए फाइनल स्टेटमेंट होता है हमारा मनन हमारा उठना हमारा बैठना हमारा चलना हमारा फिरना किन बातों के ऊपर होता है वो जो परमेश्वर ने हमको बता दी है वो जो परमेश्वर ने हमसे कह दिया हमसे उन बातों का मनन करे तो ये लॉर्ड बस अब ये होने जा रहा है Amen? Are you क्या आप सुन रहे हैं कितने तो लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे नहीं। ये एक अलग लेवल की शिक्षा है वो बुनियादी बातें आपको नहीं बता रहे प्रभु के पास में आई गए और वो आपको चंगाई देगा और वो आपको छुटकारा देगा और वो सब कुछ को आपके लिए कर देगा ये बुनियादी बातें की चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं करें एक डिफरेंस की बातें हम लोग कर रहे हैं तुम जो इसराइल के कहलाते हो और हो नहीं पर हो के कैसे जब ये अजीब सी शांति आपके मनों में आपके हृदय में रहने पाए ये शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है बहुत कुछ संसार में हो रहा है और बहुत कुछ आपके चारों ओर भी हो सकता है हो रहा हो रहा पर इस दौर में आप विचलित मत हो आप परेशान मत हो आप उन बातों पर मनन करें जो परमेश्वर ने आपसे कही कि अजीब सी शांति आपके मनों में आपके हृदय में रहने पाए और आप उन वस्तु पर खड़े हो जो प्रभु आपसे कह रहे हैं लोहिया इस मौसम में इन समय में इन दिनों में शांति के साथ में बड़ी मुस्कुराहट के साथ में आप कैसे अपने जीवन को व्यतीत करेंगे आज की शिक्षा इस बात के ऊपर आधारित है पीस लाइक अ रिवर नदी के समान शांति आपके मनों में आपके हृदय में कैसे आएगी कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम उन क्लेशों से अनजान रहो जिनसे होकर के हम गुजरे एंड वो हमारी क्षमता से बाहर थे एंड कई बार हमको लग रहा था कि हम जीवित नहीं रहेंगे हम मर जाएंगे यहां तक कि हमको ऐसा लग रहा था कि मालूम मृत्यु का संदेश सेंटेंस ऑफ डेथ हमारे ऊपर निकल चुका है पर यह सब कुछ इसलिए था ताकि हम ये सीखने पाए ताकि हमें सीखने पाए कि ना तो बल से नाशक्ति से परंतु तो यह हुआ कि आत्मा के द्वारा हो जाएगा इमैन सारी आशा के विपरीत हम विश्वास करने को तैयार हैं प्रभु ये मुमकिन है Amen? तो सालों पर खड़े होंगे हम प्रार्थना करेंगे